सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम हिंदी व्यंजन श को लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम श को किसमें सीखेंगे? रेत में। चलो देखते हैं श को रेत में कैसे लिखा जाता है। श को रेत में कैसे लिखा जाता है? एक सीधी रेखा, मोड़ा और एक खड़ी रेखा, यह है हिंदी व्यंजन प। पर हमने बनाना है श। अब हम इसके पेट को काट देंगे और ऊपर लगाएंगे छत। बन गया व्यंजन श। रेत में लिखने के बाद हम श को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना सीखेंगे। चलो देखते हैं। एक सीधा डंडा, उसको दिया मोड़, ऊपर ले गए और एक सीधी रेखा, यह है हिंदी व्यंजन प। पर हमने बनाना है श। तो अब हम इसका पेट काट देंगे। यस, ऊपर लगा दी छत, यह है हिंदी व्यंजन श। अब हम श से संबंधित कुछ वस्तुओं के चित्र देखते हैं। चलो, श से षष्ठी यानी अंक छ, षटकोण यानी छह भुजाओं वाला, श से होता है षोडश यानी अंक सोलह, षट पद यानी छह पैरों वाला, षड्यंत्र, षड्यंत्र का मतलब है किसी को धोखा देना। बच्चों, अब मैं आपको वो शब्द दिखाऊंगी जिसमें श का प्रयोग होता है, जैसे भाषा, वर्षा, हर्ष, शेष और घोषणा, पोषक। राजू के पिता आज 6 बजे जाग गए तो वो सैर को निकले। जब वो सैर करते हुए बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा राजू चित्रकारी कर रहा था। पिताजी उसे देखने लगे। राजू षटकोण बना रहा था और उसने षटकोण बनाए। षटकोण बनाने के लिए राजू ने हरा, पीला, लाल, नीला, नारंगी और काले षट रंगों का प्रयोग किया। तो बच्चों, आप बताइए राजू ने कितने षटकोण बनाए? जी हाँ, षट। और कितने रंगों का प्रयोग किया? षट रंगों का। बच्चों, आप भी श का लिखित अभ्यास अपनी कार्य पुस्तिका में और रेत में करें। धन्यवाद।